गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा, टॉपिक को बुक से आपने पढ़ के अच्छे से समझा भी होगा और कोई आपको डाउट नहीं होगा, बिकॉज आपकी ओर से कोई भी डाउट पूछा नहीं गया है। तो मैं तो यही समझूंगी ना कि आपको कोई डाउट नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत, आप देखोगे कि बहुत ही मिलता जुलता है। जैसे जो प्राथमिक लैंगिक अंग था, अगर हम इन मेल्स में बात करें तो वो क्या था, वो था उसका टेस्टिस, जहाँ पे कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, और मेल्स में भी आप देखोगे तो वहाँ पे क्या था, वन पेयर ऑफ टेस्टिस था ना, मतलब वहाँ पे दो, एक जोड़ा टेस्टिस था, मतलब वहाँ पे दो आपके क्या थे, टेस्टिस उपस्थित थे, जिसको हम हिंदी में वृक्षण बोलते हैं। यहाँ पर भी ए पेयर ऑफ ओवरीज उपस्थित होते हैं, मतलब जिस प्रकार से पुरुषों में, मेल्स में दो टेस्टिस होते हैं, उसी प्रकार से फीमेल्स में क्या होता है, दो ओवरीज। इन ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो उनमें भी क्या होता है, उनमें पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब दो ओवरी आपकी मौजूद होती हैं। कहाँ मौजूद होता है, ये लोअर एब्डोमेन रीजन में होता है। ओवरी की साइज़ कितनी होती है, तो एक ओवरी की साइज़ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, और ये लिगामेंट के द्वारा, ये लोअर एब्डोमेन रीजन से जुड़ा रहता है, साथ ही साथ में लिगामेंट के द्वारा ही ये यूटरस के यूटराइन वॉल से भी ये जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ओवरीज जो होता है ये ओवम को जनरेट करता है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से आपने देखा था टेस्टिस से स्पर्म बन रहे थे, उसी प्रकार से ओवरीज से क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, जिसको आप एग भी बोल सकते हो। और साथ ही साथ में कुछ ओवेरियन हार्मोन भी बनते हैं। जिस प्रकार से टेस्टिस में आपने देखा था कि वहाँ पे एंड्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था, कहाँ से, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल के द्वारा, उसी तरह से यहाँ पर भी ओवरीज में से भी क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन, जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे सिक्रीशन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन हैं इन ह्यूमन फीमेल में, जैसे प्रोजेस्टेरोन है। आपको सब हार्मोन्स के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में, थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद पेयर ऑफ ओवरीज के बाद इसमें क्या होता है, ओविडक्ट होता है। जिस तरह से आपने देखा कि इन मेल्स में उसमें क्या थे, उसमें भी तो टेस्टिस के बाद एसेसरी डक्ट्स थे। एसेसरी डक्ट्स में अगर मैं मेल्स में आपको याद दिलाऊं तो पहले उसमें रेटे टेस्टिस था, दूसरा उसमें क्या था, दूसरा उसमें वासा इफ्रेंशिया था, तीसरा उसमें एपिडाइडेमिस था, और फोर्थ क्या था उसमें, फोर्थ वन इज वास डिफरेंस था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, ओविडक्ट होते हैं, और ओविडक्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे ओविडक्ट कौन कौन से होते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी है, यूटेरस भी है, एक तरह से इसको आप ओविडक्ट बोल सकते हो, और वेजाइना भी। ठीक है, तो मतलब ये क्या होते हैं, ये एक नलिका का काम करते हैं। देखो डक्ट मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ से जो ओवम होगा वो पास करेगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो ओविडक्ट होता है, मेन यहाँ पे ओविडक्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, जो कि पेल्विक रीजन में मौजूद होता है। इसके अलावा यूटेरस होता है, जिसको हिंदी में गर्भाशय भी बोलते हैं, वेजाइना होती है, सर्विक्स होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। जिस प्रकार से मेल में भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया थे, उसी प्रकार से फीमेल में भी होता है। अब प्रोसेस क्या क्या होते हैं फीमेल में, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहाँ से होता है, ओवरीज के द्वारा जो ओवम को रिलीज किया जाता है, उसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर,
तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी मतलब आप समझ सकते हो जब वो फर्टाइल एग अर्थात जो जाइगोट बना है, जब वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो जब वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में चेंज हो जाता है तो वो यूटेराइन वॉल में क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उससे चिपक जाता है। तो अगर वो जाइगोट यूटेराइन वॉल से चिपक गया तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक, उसके बाद प्रेगनेंसी एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड तक होती है। जब प्रेगनेंसी का वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर बर्थ होता है, मतलब बच्चे का जन्म होता है। और बच्चे के जन्म के बाद एक तरह का चाइल्ड केयर होता है जो कि मैमरी ग्लैंड के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो मैमरी ग्लैंड है ना, ये आपको पता है कि इसी से मैमेलिया जो क्लास है उसका नाम भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैमरी ग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है या उसकी जो ग्रोथ है वो कब से स्टार्ट होती है, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तभी से क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड में ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। और मेमोरी ग्लैंड से मतलब इसका मुख्य वर्क होता है मिल्क को सिक्रीट करना, मिल्क का निर्माण करना। और ये आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो काम होता है ये इसमें कब स्टार्ट होता है, तो बर्थ के बाद, बच्चे का जब बर्थ होता है तो उसके बाद क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है ये भी सब आपको पता चलेगा इस चैप्टर में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और ये ओवरी टू यूटेरस तक जाती है। उसके बाद कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं जैसे यूवी ओवी, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यू का मतलब है यूटेरस, वी का मतलब है वेजाइना और ओवी का मतलब है ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स मैंने पिछले अभी आपको बताया नहीं, तो एसेसरी डक्ट्स में तीन चीज़ें होती हैं, यूटेरस, वेजाइना एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसके थ्री रीजंस होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। देखो यहाँ मैंने ओवरी बनाया है, मैंने आपको अभी बताया ना कि इन ह्यूमन फीमेल में दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, वन ओवरी एंड सेकेंड ओवरी। ये ओवरी जो होती है ये यूटेरस के वॉल से और साथ ही साथ में बॉडी वॉल से किसके द्वारा अटैच होती है, तो लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। और इसके बाद ये जो आपको इस तरह से जो दिखाई दे रहा है यही क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के, अब उसको, फैलोपियन ट्यूब को हम थ्री रीजंस में डिवाइड कर सकते हैं, इनफंटिबुलम, एम्पुला और एंड स्थमस। इनफंटिबुलम जो होता है वो इसका ये वाला रीज़न है, यहाँ तक के जो रीज़न है इसको आप इनफंटिबुलम बोल सकते हो। इनफंटिबुलम में फिम्बरी नामक कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, फिम्बरी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसको आप देख सकते हो, इस चीज़ को जो इस तरह से जो बना हुआ है ना, इस तरह से जो बना हुआ है, तो ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इनफंटिबुलम में पाए जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के इनफंटिबुलम पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, इस ओवरी के द्वारा जैसे ही ओवम को रिलीज़ किया जाता है इनफंटिबुलम उसको तुरंत कैच कर लेता है। इनफंटिबुलम का जो फिम्बरी होता है तुरंत उस ओवम को कैच कर लेता है और थोड़ा सा ये जो ब्रॉड रीजन होता है एम्पुला थोड़ा ब्रॉड रीजन होता है उसको वहाँ पर ओवरी को पास कर दिया, सॉरी ओवम को वहाँ पे पास कर दिया जाता है। स्थमस थोड़ा सा नैरो रीजन होता है, ये वाला पार्ट को आप स्थमस बोल सकते हो। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो थ्री रीजन्स में बटा होता है, इनफंडिबुलम यहाँ तक का स्ट्रक्चर मान सकते हो, एम्पुला यहाँ तक का स्ट्रक्चर मान सकते हो और स्थमस ये वाला स्ट्रक्चर मान सकते हो। ठीक है, इनफंडिबुलम के पास फिम्बरी होता है जो कि ओवरी से जो ओवा रिलीज़ होती है, जो एक रिलीज़ होता है उसको वो कैच करके आगे बढ़ा देता है। अब ओवरी भी
ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और ओवरी के स्ट्रक्चर में ये ओवरी जो होती है उसके ऊपर एक आवरण रहता है जिसको कि एपिडर्मिस आप बोलते हो, ठीक है, बाह्य आवरण को। और इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा को भी आप दो भागों में बांट सकते हो, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हो और अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हो। अब कुछ नोट्स को पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ा ओवरी के साथ साथ वन पेयर ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, एक यूटेरस, एक सर्विक्स तथा एक वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है जो पेल्विक रीजन में होते हैं, ठीक। पेल्विक रीजन को हिंदी में श्रोणि मेखला बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सभी अंग वन पेयर मैमरी ग्लैंड के साथ साथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब है ओवा का रिलीज, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। ओवरी स्त्री के प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है जो फीमेल गैमिट, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन यहाँ पे एस्ट्रोजन को बोल रहा है। लोअर एब्डोमेन के दोनों ओर वन वन ओवरी स्थित होती है। प्रत्येक ओवरी की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह पेल्विक वॉल तथा यूटेरस से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक ओवरी एक पतली एपिथीलियम से ढका होता है, एपिथीलियम या एपिडर्मिस भी बोल सकते हो, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है, मैंने उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है। यह ओवेरियन स्ट्रोमा दो क्षेत्रों आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में विभक्त होता है। तो ये तो मैंने आपको आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज सुबह में मैं बोर्ड पे वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि स्कूल में कुछ प्रोग्राम की प्रिपरेशन चल रही थी, कल गर्ल्स चाइल्ड डे है इसलिए, लेकिन ये मैंने कॉपी पे बनाए हुए नोट्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।